जय श्री राधा माधव देव जय श्री कौनिता की जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Thank you.
Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
श्री वैष्णव की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनुज कोटि वैष्णव की भागवतम की समवेत गौर भक्तवृंद की ताय गौर प्रेमांदे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानदिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सुचिरं साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽंशपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकारिणी। नमो महाबतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आराध्य भगवान वचेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधम वर्गेन वाकल्पितः। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरानापरः। श्रीमद्भागवतम के अंतर्गत कृष्ण लीला का कृष्ण लीला प्रवाह का जो सत्र था हमने चर्चा किया था, कृष्ण आविर्भाव और उसके बाद में पूतनावत, उसी श्रृंखला का अंतिम छोर जो है आज के इस सत्र में होगा इस साल का, देखते हैं। तो यहाँ पर पूतनावत यह अध्याय के ऊपर चर्चा चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि भगवान कृष्ण कितने दयालु है, पूतना का तो उद्धार किया ही और ब्रजवासी खास गोपियाँ इनका जो वात्सल्य है उसको उसके प्रेम को भी उनको उस वात्सल्य को और ज़्यादा अनुभव करने का उनको अवसर दे दिया, उस वात्सल्य भाव को और दुगना चौगुना सौगुना बढ़ा दिया। क्योंकि भगवान
अवतरित हुए हैं उसी वात्सल्य को, उसी ममता को, उसी प्रेम को छकने के लिए। तो पूतना का वध होने के बाद हम चर्चा किए, नंदादि जो गोप है जैसे ही मथुरा से वापस चले आए, भोर का समय हो गया था, सुबह सुबह पहुंच गए। आते ही उन्होंने एक अवाढव्य सा शरीर देखा जो उन्होंने परशु से काटा, उसको जलाया। जलाने के बाद उससे सुगंध आने लगा, आगुरु सौरभम ध्रुमश्चागुरु सौरभम दह्यमानस्य देहस्य। तो क्योंकि वो कृष्ण से संपर्क में आया था वो देह, जिस चरण को की धूलि पाने के लिए ब्रह्मादि देव शिव जी भी तप करते हैं, फिर भी उनके दर्शन उनको नहीं मिलते। दुर्लभ दर्शन, दूरदर्शन, अति दुर्लभ दर्शन, ऐसा दर्शन जो पूतना को उसकी छाती के ऊपर वो जो परम पुरुषत भगवान बैठे हुए हैं, वही पदकमल उस शरीर को छू रहे हैं, वही पूरा शरीर जो है भगवान आलिंगन कर रहे हैं, गाढ़ आलिंगन किया पूतना का, इतना गाढ़ के छोड़ ही नहीं रहे थे, इतना कृपा भगवान ने पूतना के ऊपर किया। पूतना बड़ी भाग्यशालिनी, और ऐसे पूतना का जिंघासया, यद्यपि वो प्राण लेने के लिए आए मगर भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि पूतना ने थोड़ा उपकार किया था, और भगवान परम उदार है। परम उदार वो आदमी है जो उपकार को कभी भूलता नहीं, छोटे छोटे किए हुए उपकार का भी जरूर वो उसको फेरता है, चुकता कर देता है उसको, उपकार को, ब्याज को कभी रखता नहीं। तो ऐसा भगवान का कृपा पूतना के ऊपर यहां पे हुआ। हम देखे पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्ताप सद्गतिम। यदि पूतना बालघातिनी थी, राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, जिघांसयापि हरये, हरि को मारने के लिए आए थी, स्तनम दत्ता, मगर उसने क्या किया, अपने स्तन उनको प्रदान किए, उसको सद्गति मिली, सद्गतिम, उसको सद्गति थी। अगर पूतना का यह हो रहा है, क्यों नहीं फिर भक्तों का, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्ण या परमात्मने, जो कृष्ण की परम, कृष्ण की परम आत्मने, कृष्ण की परमेश्वर कृष्ण की श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, उनका यक्षण प्रियतमम किम हो, रक्तास्तन मातरो यथा। और खासकर उन माता का क्यों नहीं उद्धार होगा जो प्रेम से प्रियतमम अपने प्रियतम कृष्ण को, सबसे प्रिय वस्तु उनको जो है, अत्यंत प्रिय वस्तु जो भी है, प्रिय वस्तु कृष्ण को, जो कृष्ण को चाहिए, कृष्ण मांग रहे हैं, कृष्ण पूतना से मांग नहीं रहे थे फिर भी दे रहे थे। यहां तो कृष्ण गोपियों से मांगते हैं, यशोदा से मांगते हैं, एक है देना और एक है मांगना, वो मांग रहे हो, वह प्रेम से वो देती है, उनका उद्धार क्यों नहीं होगा, उन श्रीयों का उद्धार क्यों नहीं होगा, तो उनका क्या स्तर सर है, उनसे फिर भगवान क्या आदान प्रदान करेंगे। अगर यह पूतना को धात्री बनाए तो बाकी भक्तों को क्या दे सकते हैं, जैसे कि हमने कथा सुना सुदामा को, सुदामा को इतना सारा धन देने के बाद, इतना सारा ऐश्वर्य देने के बाद भी भगवान को लग रहा था मैंने पूरी ताकत लगाकर नहीं दिया सुदामा को, क्योंकि सुदामा ने पूरी ताकत लगाकर मुझे चार मुट्ठी दिया था,
पूरी ताकत लगाई थी उसको, बहुत कष्ट किए थे उसने वो चार मुट्ठी देने के लिए, मगर मैंने पूरी ताकत लगा कर नहीं दिया। तो भगवान खुश नहीं थे इतना सब देने के बाद सुदामा को, भगवान अतृप्त थे, खुश नहीं थे। तो यह इसलिए भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण कुछ ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो बहुत आसानी से उपलब्ध है, मगर भक्त मुझे कैसे करता है, वो प्रेम से प्रदान करता है, इसलिए वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पर प्रेम जो इंग्रेडिएंट है उसको महत्व दिया जाता है भक्ति में। जो भी हम कार्य करते हैं, वो चाहे जप हो, कोई भी सेवा हो, कोई भी अर्चा विग्रह की सेवा हो, भगवान को आचनम कर रहे हो, पाद्यम कर रहे हो, जब भगवान को प्रेम से करते हैं ना, तो भगवान स्वीकार करते हैं। खासकर अर्चा विग्रह की सेवा ऐसी है कि हमें मौका मिलता है भगवान से डायरेक्ट आदान प्रदान करने का। यहां पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, उसका जन्म अच्छा नहीं था, उसका कर्म अच्छा नहीं था, उसका संग अच्छा नहीं था, उसका भोजन अच्छा नहीं था, ये सब बताया गया है। पूतना लोक बाल घातिनी कर्म राक्षसी, उसका संग रुधिरासना, उसका भोजन इतना बुरा होने के बाद उसका उद्धार हुआ। तो भक्त जो अपना जीवन न्योछावर करते हैं कृष्ण की भक्ति के लिए, तो उनको भगवान क्या देंगे, भक्ति से भगवान भी खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर भगवान जो है प्रभु रामचंद्र, जैसे कि हनुमान से जब आदान प्रदान करना था, हनुमान वापस आए लंका से, इतना बड़ा सेवा किया था, तो सीता को खोज करके निकाला था उन्होंने, और लाने का क्रेडिट प्रभु रामचंद्र जी को देना था, उसमें वो सहायक भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे हनुमान के प्रति प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में जो उदार भाव था कि इसको मैं भी अभी कैसे उसको ऋण चुकता कर सकता हूं, तो राम जी क्या बोले कि मैं आपसे बिकने के लिए तैयार हूं, आप जहां पर भी बिकाएंगे मुझे। यानी लॉर्ड इज रेडी टू बी सोल्ड द हैंड ऑफ हिज डिवोटी, तो दैट इज अ रेसिप्रोकेशन, वो अपने भक्त के दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण के स्पर्श से अगर पूतना के शरीर का जो सुगंध है, सौरभम जो है आगरु जैसा हो रहा है, यहां पे कृष्ण का शरीर जो है वो बड़ा दिव्य है। कृष्ण का शरीर जो है वो चिन्मय है, चित्तमय, चिन्मय, चिन्मय शरीर, सच्चिदानंद घन, घन यानी पूरा सॉलिड, जैसा गोबर गणेश हम बोलते थे, सब गणेश जो है पूरा गोबर का बना रहता है, उसका हाथ, उसका पैर, उसका सोंड, उसका सर, हर जगह गोबर गोबर रहता है। हम बोल रहे थे कि कभी कभी बचपन में संक्रांति के दिन ना शर्करा के अलग अलग मूर्ति आती थी, शर्करा अभी भी होती है ना, पूरा शुगर का बना रहता है वो मूर्तियां अलग अलग, तो शुगर का पूरा बना रहता है, मिश्री मिश्री रहता है हर जगह, उसका सर में मिश्री, उसके पांव में मिश्री, उसका नख मिश्री, उसका हर एक अंग प्रत्यंग मिश्री रहता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण का हर एक शरीर का अंग चिन्मय रहता है, और इसलिए हर एक अंग चिन्मय रहता है, तो हर एक अंग से वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरां जगन्ति आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः गोभिः गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मन्ति, भगवान का शरीर ऐसा है। तो उन्होंने उस शरीर से पूतना का गाढ़ आलिंगन किया था, तो इसलिए उसको तो शुद्ध होना ही है। तो यहां पर अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी चर्चा करेंगे अभी।
पदभ्याम भक्त हृदि स्थाभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितैः अंगं यस्या समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम् यातु धान्यपि सा स्वर्गम् मवाप जननी गतिम् कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किमो गावो नु मातरः पदभ्याम भक्ति हृदिस्थाभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितैः पदभ्याम जिनके चरण भक्त हृदिस्थाभ्याम जो भक्त है जो अपने हृदय में पकड़ के रखते हैं यानी भगवान का हमेशा जो चिंतन करते रहते हैं जो जिनके चरण हृदय में स्थापित करते हैं बड़े बड़े योगी बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े भक्त ऐसे भक्त जो वंदाभ्याम लोकवंदितैः लोकवंदित है ऐसे भक्त लोकवंदित है सामान्य जो लोक है उनसे वंदित है जैसे कि ब्रह्मा शिव सारा त्रिभुवन उनकी पूजा करता है उनको वंदन करता है ऐसे ब्रह्मा शिव जो है जो लोकवंदित है वंदाभ्याम वंदाभ्याम वो भी वंदन करते हैं उस पदभ्याम उस चरण को जो उनके हृदय में पकड़े हुए है सारे भक्त अपने हृदय में रखे हुए जिनकी वंदना ब्रह्मा जी भी करते हैं शिव जी भी करते हैं एको न भुजिनु प्रभु तुमार चरणा अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखाना सकल पाइया तुवा चरण कमले पाई तब रमा ब्रह्मा शिवा सब क्या कर रहे हैं अलग अलग तपस्या कर रहे हैं उस चरण की प्राप्ति करने के लिए तो वो चरण अभी पूतना को स्पर्श कर रहे हैं या वो चरण से उस शरीर से वो क्या है अंगस अंगम यस्या समाक्रम्य कैन यू सिंग दैट सिंग सॉन्ग या रमा तपस्या करीला जे पात पाईया शिवा शिवत्व लभिया जे पद नारद मुनि ब्रह्मा हृदय धरी हृदय धरीला हृदस्थ्याम जे पद ब्रह्मा कृतार्थ होईला नारद मुनि हृदय धरीला हृदय धरीला से पद शिर धरिया परम आनंद नाचे पद गुण गाया संसार विपद होते अवश्य उद्धार भक्ति विनोद पद करे तो वो भगवान के पद चिन्हों का इस तरह से गुण होता है गुणगान हुआ है वो पद जो अंगम यस्या समाक्रम्य अंगम यस्या समाक्रम्य और उस अंग पे यस्या यानी उस पूतना के अंग पे समाक्रम्य आक्रमण कर दिया समाक्रम्य यानी आलिंगन किया या पकड़ लिया इसने भगवान ने उस शरीर पे आक्रमण समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम भगवान ने तो फिर उसका क्या होने वाला है उस पूतना का या तो धान्यपि वो भूतिनी थी वो पूतनी थी वो भूत थी पिशाच थी धान्यपि सा स्वर्गम वाप मगर उसको स्वर्ग प्राप्त किया जननी गतिम और जननी की गति स्वर्गम अपि यहां पे स्वर्गम यानी गोलोक धाम या वैकुंठ बोला गया है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई या गोलोक धाम की प्राप्त हुई जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाली जननी गतिम उसकी गति गति का अलग अलग अर्थ होता है गति यानी वेग गति लक्ष्य गति यानी स्थान पद अलग अलग यहां पे गति वो पद वो स्थान
जननी का स्थान, जननी का पद, जननी का लक्ष्य, गति लक्ष्य भी होता है, वो गति पुत्रा को प्राप्त हो, आसानी से हो गई, बड़ी आसानी से। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम ओ गावो नु मातर। अगर पूतना का उस तरह से गति प्राप्त होता है तो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, कृष्ण जिसके प्यासे है उन स्तनों का दूध पीने के लिए, जो कृष्ण प्यासे है, जो कृष्ण इच्छा करते, कृष्ण भुक्त कृष्ण इच्छा करते हैं, तो किम वो गाव इव मातरा, और उन गायों का और उन माताओं का तो क्या लक्ष्य होगा, उनको क्या गति प्राप्त होगी, उनको क्या गति कृष्ण देंगे, इसके बारे में विचार किया क्या? तो यहां पर कृष्ण की अपने भक्त के प्रति जो देन घेन है, किस तरह से अभी वो अपने भक्त के प्रति आदान प्रदान करने वाले हैं, उसके सीमा को पार करना पड़ेगा। अपने भक्त का जो उपकार है उसको फेरने के लिए कृष्ण उस स्तर पर जा सकते हैं। तो यहां पर स्वर्गम मापो जननी गतिम, जननी तो जीव की जो परम गति होती है, हर एक जीव का परम गति क्या है, कृष्ण का धाम। मगर जीव अपने भोग इच्छा के कारण यहां पर आया हुआ है और बहुत दुख भोग रहा है। मगर जब जीव अपना परम गति में स्थित होगा, वो सबसे आनंद का स्थान है, और वो परम गति देने के लिए कृष्ण लीला कर रहे हैं। जीव की परम गति है कि भगवान की नित्य लीला में उनका नित्य परिकर बनकर वर है। सोए नहीं ना भाई? तो जीव की परम गति जो है, जो परम धाम है, वो गति तक जाना यहां पर लक्ष्य है। अगर तबीयत नहीं अच्छी तो जाके रेस्ट ले सकते हैं। तो यहां पर जो जीव जो रहता है वो नित्य परिकर बनकर, यानी पार्षद बनकर, अलग अलग रस में अपने भक्तों से आदान प्रदान करता है, और वो उसका पार्षद, यानी पार्षद जो रहते हैं उनका वो नित्य, उनका वो भगवान के साथ आदान प्रदान रहता है। यहां पर वो जो नित्य आदान प्रदान रहता है, आइदर वो मित्र के संबंध में हो, सखा के संबंध में होता है, या माता पिता का संबंध में बच्चा बनकर भगवान आदान प्रदान करते हैं, या माधुर रस में, श्रृंगार रस में वो आदान प्रदान भगवान के साथ करते रहते हैं। और ये जो आदान प्रदान है वो नित्य रहता है भगवान के साथ उनका। और इस नित्य रस का एक झलक दिखाने हेतु भगवान यहां पर जो लीला कर रहे हैं यहां पर, कि वो जो भक्ति है उस भक्ति के पद चिन्हों के पर चलकर ही हमें भक्ति करनी है, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। उसको ही राधानुगा भक्ति बोलते हैं, कि उनका नित्य परिकर बनकर, व्रज के परिकर जो रहते हैं उनके भाव को अपनाकर, उस भाव में भक्ति के साथ भगवान से आदान प्रदान, एक साख्य, एक वात्सल्य या श्रृंगार रस में उनका आदान प्रदान करने में ही जो भक्ति को राधानुगा भक्ति बोलते हैं रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु इसी भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। कौन सा है वो भक्ति? वो है आराध्य भगवान वचेशतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधूं वर्गेन वा कल्पिता।
ब्रज वधू का जो रम्य लीला है या यशोदा का जो वात्सल्य लीला है, ये जो ऊंचे जो रस है, ऊंचे रस के पदचिन्हों पर चलना, इसको रागान अनुगत भक्ति बोलते हैं, रागात्मिका भक्त। तो पदभ्याम, यहां पर पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम, यानी उच्च कोटि के जो भक्त है कृष्ण के चरण कमल के ऊपर ध्यान करते हैं। वंदाभ्याम लोकमंदित है जननी गतिम, यहां पर जननी गतिम, जननी गतिम यानी यशोदा का स्थान, यशोदा का जो वात्सल्य का स्थान है। अभी यशोदा का, यशोदा की कभी गुणगान यहां पर होता है कि यशोदा तो हम देखते हैं कि वात्सल्य लीला में उसका जो वात्सल्यता है उसमें कभी भी खोट नहीं आता। यशोदा जो है वात्सल्य भाव, हम देखते हैं कि दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण यशोदा के वात्सल्यता को चख रहे हैं। वहां पर उन्होंने जैसे ही भोर हो गई, कृष्ण जग गए सुबह सुबह, वैसे ही वो क्या हो गए, वो भूखे हैं। और भूखे कृष्ण माता यशोदा के पास आते ही स्तनपान कर रहे हैं, और माता जैसे उसको बाजू में रख रही है, कृष्ण डिमांड कर रहे हैं वहां पर कि मुझे चाहिए वो। कृष्ण डिमांडिंग दैट रेसिप्रोकेशन ऑफ द लव फ्रॉम यशोदा। और यशोदा कुछ समय के लिए बाजू रख देती है, तो कृष्ण कैन नॉट टॉलरेट उस वात्सल्य को। यशोदा मई तो जाती है अंदर दूध, उफनते हुए दूध को रखने के लिए, बाजू रखने के लिए, मगर इधर कृष्ण क्या करते, तब तक उखल जो रहता लोहे का वो लेके उससे मटके को मारते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ करना है अभी, ऐसा कुछ करना है जिससे यशोदा को पता चले उसने जो भी किया है कृत्य वो सही नहीं है। और फिर ऐसा नटखट पना करना है जिससे यशोदा का वात्सल्य और बढ़े मेरे प्रति, क्योंकि मैं भूखा हूं, और मैं भूखा हूं वो ध्यान में ना रखकर कुछ और घर का काम करने के लिए चली जाती है, और मेरे ऊपर उसका पूरा ध्यान रहना चाहिए, डिमांड कर रहे हैं कृष्ण। और फिर उस मटके को फोड़ने के बाद जब वो सारा जो दही और बाकी का जो भी मक्खन भी इधर उधर फैल गया, तो भगवान श्री कृष्ण उसमें चल चल कर जा रहे हैं। अब वही वामन देव है, तीन पैर में पूरा भूमि, एक पैर में सारा ऊपरी लोक ना पाता, उनको क्या एक पैर में उधर जाना नहीं आता था, मगर अपने छोटे छोटे पैर डाल डाल के कैसे तू वहां से मुश्किल से बाहर निकले, गिरे नहीं। छोटे बालक ही गिरता है, छोटा बालक जो रहता है ना, थोड़ा गिर फिसलता है तो फिसलता है, वो बैलेंस नहीं रहता। कृष्ण छोटे बालक है तो कैसे तो बैलेंस करके बाहर निकले वो। और उसके बाद में वो जिससे उखल, वो लोहे से का जो दंडा था जिससे तोड़ा था मटका, वो भी वहीं पे रख के गए, यानी पता चलेगा ना, चोर जो रहता है, एक्सपर्ट क्या रहता है, एक्सपर्ट चोर क्या रहता है, कोई भी पुरावा नहीं रखता पीछे। मगर कृष्ण यहां पर लीला कर रहे बालक जैसे कि जो बहुत ही मूर्ख है, बालक चोरी करता है और पकड़ा भी जाता है। चोरी हमेशा करते हैं कृष्ण और हमेशा पकड़े जाते। तो उनको तो इतना ज्ञान नहीं है, छोटा बच्चा जो मानवीय बच्चा जो रहता है नॉर्मल, इतना ज्ञान नहीं। जानवर के बच्चे ज्यादा होशियार रहते आदमी के बच्चे से। हम बचपन में कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलते थे ना गांव में, तो कुत्ते का पिल्ला जो रहता है, छोटा पिल्ला रहता है, बहुत होशियार रहता है। उसको हमारी माँ अगर कहती थी चलो छोड़ के आ जाओ दूर या कहीं कहीं पे, फिर भी हम रखते थे, मगर बाद में छोड़ना पड़ता तो कहीं तो और दूर जाके छोड़ते थे, घर आते थे थोड़ी देर के बाद फिर से वापस। ऐसे नहीं कि उसको हमारा नाम मालूम है, आता पता मालूम है, आता पता पूछ पूछ कर आ गया बराबर।
कितने बीच में बहुत सारे कुत्ते के भोके रहेंगे उसको, सारा ऑब्स्टेकल पार करके वो कुत्ता फिर से वापस आ जाता है घर में। अनुभव किया है हमने, बुद्धि रहता है। मनुष्य के बच्चा घूम गया तो घूम ही गया। मनुष्य का बच्चा वो यात्रा में अनाउंस करना पड़ता है, ये बच्चा किसका है, इसका माता पिता कौन है, बच्चा तेरा माता पिता कौन है, रोता है उसको मालूम है, तू कहां पे रहता है, क्या नाम है तेरा, नाम भी बताना नहीं आता उसको, उसको सिर्फ ऐसे पकड़ना पड़ता है ऊपर यात्रा में या कुछ में, बड़े बड़े कार्यक्रम रहते हैं उसमें बच्चे गुम जाते हैं। इतना वैसे ही एक अज्ञान बालक की जैसे बहुत कृष्ण ऐसी सुंदर लीला करते हैं ताकि वो मातृत्व को वात्सल्य को बढ़ाए। भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे, सर्वज्ञ का प्रदर्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे, भगवान के माधुर्य का प्रदर्शन चल रहा है, प्रेम का प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण छोटे छोटे पैर से चले जाते हैं, वो चिन्ह भी वहां पर पुरावा रहता है कि कृष्ण इधर ही गए, और उनको लगता है मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं अभी बहुत सेफली, मैं कंप्लीटली सेफ जगह पे आ गया हूं, और वहां पे जाके फिर से इतना भूख लगा था मुझे नहीं दिया, अभी मैं ये मक्खन खाऊंगा, उखल लगा डाल दिया, वो मक्खन भी निकाल निकाल के खाया, पुराना मक्खन, नया मक्खन यशोदा वो नहीं खाया, पुराना मक्खन जो खट्टा होता है थोड़ा बहुत दो तीन दिन के बाद वो खाने लगे कृष्ण, और वो खाके उतना ही नहीं बंदरों को भी बांट रहे हैं, चलो आप भी ले लो, और उसको भी तोड़ रहे हैं कृष्ण, पूरा नाश कर रहे हैं मक्खन का, क्यों मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं इतना भूखा था। और अभी मालूम है चोरी की है, मटका तोड़ा है, अभी यशोदा डांटेगी, और डर भी है, इधर उधर डर डर के मारे भी देख रहे हैं, रियल चाइल्ड यू नो, परफेक्शन ऑफ बीइंग ए चाइल्ड एंड इनोसेंस चाइल्ड, वो इनोसेंस जो है क्या बोलते हैं उसको, मासूमियत्ता जो है उसकी परिसीमा, बहुत ही मासूम कृष्ण, और इधर उधर डर डर के देख रहे हैं कि माता आएगी मुझे डांटेगी, और बराबर आ गई छड़ी लेकर माँ यशोदा, और कृष्ण ने जैसे ही देखा उकल से कूद पड़े भाग भाग के, यशोदा माई मोटी थी वृद्ध थी थोड़ी ज्यादा एज था, और कृष्ण छोटे बच्चे भाग रहे, यशोदा माई आज अगर इसको नहीं सिखाऊंगी तो बड़ा होकर ये चोरी करेगा, आदि माखन चुराए, बाद में पैसा चुराएगा, सोना चुराएगा, लड़की चुराएगा, चोरी करेगा, बड़ा होकर बड़ा बदमाशी करेगा बाद में, तो इसको मुझे सुधारना है, वात्सल्य उसको सुधारना है, तो उसके लिए माँ उसके पीछे लग रही है, गलियों से कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा माई उसके पीछे भाग रही है, यशोदा माई दूसरे गोपियों के घर में भागती है, यशोदा फिर भी उसके पीछे भाग रही है, भाग रही भाग रही भाग रही है, और बाद में कृष्ण को पकड़ती है, यशोदा कैसे पकड़ती है, पीछे से ऐसे पकड़ सकती थी मगर ऐसे करके सामने से आके पकड़ती है, बच्चे को ऐसे किया तो शायद वो गिर जाएगा। सामने से आकर कृष्ण को पकड़, और पूरे थके हुए कृष्ण, यशोदा भी थकी है, और पकड़ने के बाद छड़ी है हाथ में, अब कहां पे भागेगा, बाकी गोपियां बोली मां मारना मत, तुम चुप रहो, तुम्हें मालूम नहीं, मुझे मालूम है कैसे उसको सुधारना है, जाओ दोरी लेके आओ, मां बांधोगी नहीं, काना को मत बांधना, नहीं हाँ उसको सिखाना है, बांधना पड़ेगा, मैं उसकी माँ हूं। तो बेसिकली ये लीला जो है आचार्य लोग बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, उस कान्हा को जब छड़ी देखती है तो वो घबराया है, तो छड़ी से घबराया है मेरा कान्हा, तो छड़ी फेंक देती है, एंड कंफर्म, इट इज कंफर्मेशन, फेंक दे रही हूं मैं, फेंक रही हूं छड़ी को, कान्हा ने देखा हाँ अभी कुछ डर नहीं। अभी कुछ डर नहीं। मगर फिर रस्सी लाया, फिर रोने लगे कृष्ण, बांधना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वात्सल्य बिगड़ेगा मेरा बेटा। तो आचार्य बोलते हैं कि जो बड़े बड़े योगियों से, सुखदेव गोस्वामी बताते,
बड़े बड़े योगियों से बंधे नहीं जाते, मन की गति से वो पकड़ने का कोशिश करते हैं, पकड़े नहीं जाते, उनको यशोदा माई अपने प्रेम के बंधन में बांध रही है। वो जननी का स्थान पुत्रा को मिल रहा है। क्यों हम चर्चा किए, वैसा आदान प्रदान अभी पूतना को करना करना मिलेगा कृष्ण के साथ। वो माता जिनके सामने बच्चे ने मिट्टी खाई और बोलता है मैंने नहीं खाई, कृष्ण झूठ बोलते हैं। परम सत्य जो है सब परम सत्य, वो क्या करते झूठ बोलते हैं, बारंबार झूठ बोलते हैं। और जो सच बोलना चाहते हैं उनको झूठा ठहराते हैं, ये सब झूठ है, मैं ही सत्य हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो और प्रेम उमड़ आ जाता है। तो यह यशोदा का वात्सल्य भाव जो है हर एक परिस्थिति में, हर एक लीला में, कभी भी उसमें घटौती नहीं हुई, घटा नहीं, हमेशा निरंतर वो बना रहा वात्सल्य भाव कृष्ण। और वो वात्सल्य भाव जो है वो कभी भी कम नहीं होता। हम देखते हैं द्वारका अभी अध्याय पर प्रथम स्कंध 11 अध्याय, कृष्ण रिटर्निंग टू द्वारका। द्वारका में जो वापस आए कृष्ण, सबसे पहले अपने पिताओं से मिले, बंधुओं से मिले, और जब द्वारकावासियों से मिले, यदुओं से, सबसे पहले पत्नियों के मिलने से पहले कृष्ण किसको मिले, माताओं को मिले। और कृष्ण की कितनी माताएं थी, बहुत सारी थी, वसुदेव की 18 पत्नियां रहती हैं, देवकी और रोहिणी तो है ही उधर दो पत्नियां, बाकी की भी पत्नियां थी, और सारी माताएं कृष्ण की, कृष्ण के साथ उनका मातृत्व का संबंध है। और सबसे पहले कृष्ण उनके घर में जाते हैं और उनसे आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। और कृष्ण का एज क्या है, 100 से ज्यादा है, बराबर 100 से ज्यादा है। वो माताओं का एज भी बहुत ज्यादा है कि नहीं, अभी भी फिर भी उनके जो वक्ष का जो स्तन का दूध है ना, अभी भी बंद नहीं हुआ। वर्णन आता है वहां पे जब कृष्ण उनकी गोदी में लिया उन्होंने, उन माताओं ने कृष्ण को, 100+ यंग एजेड सन, और उनके वात्सल्य से अभी भी उनके स्तनों से दूध चूता। यानी इसका मतलब, इसका मतलब वो माताओं का मातृत्व जो है, वात्सल्य है, निरंतर रहता है, वो घटता नहीं कभी, वो आदान प्रदान है कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इसलिए कृष्ण भुक्त स्तनम क्षीरा कि वो गावो मातुरा, उन गावों गायों का क्या, वो माताओं का क्या। और कृष्ण ने सबसे आदान प्रदान किया, सारे गौओं का दूध पिया, व्रज के सारे गौओं का दूध पिया, व्रज के सारी जो माताएं थी जिनकी इच्छा थी कृष्ण मेरे बालक हो, वो उनके भी माताओं का उन्होंने दूध पिया। किस लीला के द्वारा, ब्रह्म कृष्ण भक्त स्तन क्षीरा किम गावो वो माता रहा। तो ऐसे ही कृष्ण सबसे आदान प्रदान करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बंधे हैं, प्रेम से बंधे हैं, और वो आदान प्रदान करने के लिए ही आए हैं। अगला श्लोक 39 पयांसि माता मतिपत् पुत्र स्नेह स्नुतान्यलं भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याखिल प्रदः तासां विरतः कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणं न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभवः, संसार अज्ञान संभवः। पयांसि यासा मतिपत् पुत्र स्नेह
स्मृतान्यलम, सुतानी अलम, यानी भगवान कृष्ण भगवान देवकी पुत्र कैवल्य अखिल प्रद, जो भगवान अखिल प्रद, सारे जो भी अखिल प्रद यानी कैवल्य आदि अखिल प्रद, जो कैवल्य मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके ध्यान करते हैं, कैवल्य आदि अखिल प्रद भगवान देवकी पुत्र, यहां पर देवकी जो है वो भी यशोदा ही है, यशोदा के दो नाम थे देवकी, और जैसे कि आपके कोई कोई आदमी रहते दो दो नाम रहते, यशोदा के भी दो नाम थे, देवकी भी नाम था यशोदा का, तो यहां पर देवकी जो है पुत्र बोला है ना वो भी यशोदा पुत्र ही है। तो भगवान जो यशोदा के पुत्र है, जो कैवल्य आदि प्रदान करते हैं, पयांसियांसां पीबत, इन गायों का इन माताओं का वो पयांसी वो दूध पिए पीबत, पुत्र स्नेह से अलम, अलम यानी बहुत प्रचुर मात्रा में वो पिए, तो उनका क्या गति होगा, अलम यानी पर्याप्त मात्रा में, अलम यानी इसका मतलब कृष्ण पीने के लिए एक काफी नहीं थे तो अनेक बने, जैसे कि यहां पर द्वारका में 16,108 रानियों से आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण अनेक बने, वैसे ही सारे माताओं सारे गौओं से आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण अनेक बने, और सबसे आदान प्रदान किया कृष्ण ने एक पुत्र के रूप में। तो पायांसियांसां पिबत, पुत्र स्नेह, पुत्र स्नेह से, अगर यहां पर पुत्र स्नेह से दूध नहीं पी रहे थे किसका, पूतना का, मगर उधर तो पुत्र स्नेह से के साथ अलम प्रचुर मात्रा पे उन्होंने गोपियों को से दूध पिया, बहुत यानी गोपियों से तो दूध पिया, उनसे माखन खाया चुरा कर खाया, वो फिर से बनाती थी कि कृष्ण आएगा माखन चुराएगा, मालूम था फिर भी बनाती थी। ये और कोई आदमी उसको मालूम है मैं